हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर विथ टू न्यू क्वेश्चंस। दीज आर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर वन क्वेश्चन इज द मेटल फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, वन ऑफ देम कंटेन्स 11.9% ऑक्सीजन, द अदर कंटेन्स 21.2% ऑक्सीजन, सो दैट दिस डाटा इज स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए, इसमें मेटल फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, दो तरह का ऑक्साइड्स फॉर्म हुआ है, नंबर वन एंड नंबर टू ऑक्साइड्स। दोनों में क्या, दोनों में ही ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया है। नाउ एज वी नो द मेटल और ऑक्सीजन कंबाइंस ईच अदर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ओके, मेटल एज द परसेंटेज हैज बीन गिवन, वी कैन कंसीडर दैट मेटल ऑक्साइड इज 100 ग्राम। ओके, बाई वेट मेटल ऑक्साइड इज 100 ग्राम, दैट मीन्स द ऑक्सीजन इज in first oxide it is 11.9%. okay, then what would be the metal rate of metal? 100 minus 11.9 will be 88.1% or we can consider it as a gram also. Okay, we can consider it as gram, because 100 gram is metal oxide, and that according to percentage it must be 11.9 gram, and the metal must be 88.1 gram. Let us consider oxygen as a fixed element, जिस element का हम लोग weight fix करने वाले वो oxygen ही मान रहे थे। That means 11.9 gram combines how much? 88.1 gram of metal. अभी 11.9 ग्राम ऑक्सीजन का बोल रहे हैं, ऑक्सीजन कंबाइंस दिस मच ग्राम ऑफ मेटल, तो फिर 1 ग्राम कितने के साथ करेगा? 88.1 डिवाइडेड बाई 11.9 ग्राम, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.40 ग्राम। ओके, ये तो मैं फर्स्ट केस का बात। अब नेक्स्ट केस में क्या है, तो ऑक्सीजन का जो दिया गया, देखिए परसेंटेज 21.2 है, दैट मीन्स 21.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with 100 minus 21.2 will be 78.8 approximately, 78.8 gram of metal. तो 1 gram कितने के साथ करेगा? बहुत ही सिंपल है, देखिए 78.8 divided by 21.2 will be 7.40 था ना, 7.40 it will be divided by this one, and answer will be 3.7. 7.4 to 3.7 से ही ये 3.7 से जाएगा। ओके, अब हम लोग फिक्स कर चुके हैं, देखिए इसको फिक्स किया गया है, 1 ग्राम इज फिक्स्ड, 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 7.40 ग्राम के साथ, और यहाँ पे 1 ग्राम ऑक्सीजन इज गोइंग टू इज कंबाइनिंग विथ 3.7। तो वाट वुड बी द रेशियो? अगर हम लोग रेशियो निकालने जाएंगे तो देखिए 7.40 डिवाइड बाई 3.7 दो से ही जाएगा, द आंसर इज 2:1, विच इज ए सिंपल रेशियो। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया वो फॉलो कर रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ठीक है, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज इसी में होता है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल, कभी कभार क्या होता है ये यही नहीं होता है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन से करना है। स्टूडेंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन इज टेलिंग अबाउट द मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यू हैव टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेम। You have to see that the elements, how many elements are engaged in this question. There are only 2 elements, metal and oxygen, that and they are forming series of compounds, 2 oxides. तो इस तरह का कौन, इस तरह के जो क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन ही यूज करना है, वही कंसेप्ट से जाना पड़ेगा हम लोग को। इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इज यूज और इंगेज इन द क्वेश्चन टू फॉर्म 2 or more than 2 compounds, ठीक है, 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स यूज हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली सोचेंगे कि वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब नंबर वन क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर रहा है हम लोग को। लेट अस सी नंबर टू क्वेश्चन। द क्वेश्चन हेयर
इज सर्टेन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स थ्री डिफरेंट बाइनरी कंपाउंड्स। पता है कि बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब हो जाता है कि दो तरह का एलिमेंट को यूज हुआ है और सीरीज ऑफ कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोक्लोराइड्स के बारे में चर्चा किया गया है। दिस क्वेश्चन वाज अबाउट ऑक्साइड्स एंड इट इज अबाउट क्लोराइड्स। तो क्लोराइड्स की किस्म क्या हो जाता है, देखिए क्लोराइड्स में क्या हो जाएगा, मेटल क्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स बना रहा है, सिंपल बात है। और हर एक वो तीन तरह का क्लोराइड्स बना रहा है, तीनों में परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हैज बीन गिवन, ओके। लेट अस से दैट इट इज फॉर्मिंग HCl, नेक्स्ट वन इज फॉर्मिंग HCl2, नेक्स्ट इज फॉर्मिंग HCl3, ओके। कुछ इस तरह का कंपाउंड बन के आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए, ऐसे भी परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज हैज बीन गिवन फॉर फर्स्ट वन, फर्स्ट क्लोराइड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज 50 पॉइंट, इसका परसेंटेज है 50.68। तो व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ एक्स, देखिए टोटली ये जो है ये कंपाउंड 100 ग्राम का मान लेते हैं हम लोग, तो परसेंटेज करने में आसान हो जाएगा। ये 100 ग्राम है तो ये 50.68 ग्राम दिया है, परसेंटेज को हम लोग चेंज कर चुके ग्राम में, ठीक है। अब एक्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे इसका परसेंटेज कुछ 49.32 के आसपास जा रहा है, तो कितना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तीनों का पहले हम लोग निकाले थे, इसका जो परसेंटेज दिया गया देखिए 68.95 दिया गया है, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68.95 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 31.05 ग्राम हो जाएगा, इसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पूरा को हम लोग 100 मान चुके हैं, जब कंसिडर्ड दैट HCl2 इज 100 ग्राम, ठीक है। अब उसके केस में क्या किया बताया गया, क्या परसेंटेज 74.75 दिया गया, इसका क्या हो जाएगा 25.25 के आसपास कुछ आएगा, 25.25 परसेंटेज आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन किया जाएगा, देखिए इसका जो है हम लोग किसी एक को हम लोग क्या मान सकते हैं, तो हम लोग फिक्स करने के लिए कोई एलिमेंट ले सकते हैं, हम मान रहे हैं एक्स को, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया गया एलिमेंट, एलिमेंट को भी हम लोग लेने वाले फिक्स्ड, देखिए 49.32 ग्राम कम्बाइंस ऑफ एक्स कम्बाइंस 50.68 ग्राम क्लोरीन, नहीं तो 1 ग्राम कितने के साथ अटैक कंबाइन करेगा, 50.68 डिवाइडेड बाई 49.32, ठीक है, इतने के साथ एक्स कंबाइन करने वाला, तो इसके अप्रोक्सीमेटली 1.027 आएगा, 1.027 इसका ग्राम आने वाला, ठीक है, इतने के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर टू के केस में देखेंगे, ठीक है, नंबर टू के केस में, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला हो गया, ये फर्स्ट है। अब ये क्लोराइड में क्या होता है, देखिए 31.05 ग्राम एक्स किसने का स्टार्ट कर रहा है, 68.95 ग्राम कितना क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 68.95 डिवाइडेड बाय 31.05 के साथ करने वाला है, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेटली लगभग आएगा 2.22 की 2 से ही लगभग जा रहा है, 2.22 ग्राम के साथ करने वाला है कम्बाइन। अब वो थर्ड केस में क्या देखेंगे हम लोग, 25.25 एक्स कर रहा है ग्राम ऑफ एक्स इज कम्बाइनिंग विद 74.75, ठीक है, क्लोरीन के साथ, तो 1 ग्राम एक्स कितने के साथ करेगा, 74.75 डिवाइडेड बाई 25.25 ग्राम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो लगभग 2.96 के आसपास होगा, 2.96, ठीक है ग्राम। तो हम लोग देखिए फिक्स लिए हैं 1 ग्राम सबका एलिमेंट का, और वो जो कंबाइन कर रहा है 1.027 यहाँ पे कर रहा है, इट इज कम्बाइनिंग विद 2.22 ग्राम ऑफ क्लोरीन इन सेकेंड केस, इन थर्ड केस इट इज कम्बाइनिंग विद 2.96 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो हम लोग बस इसका रेशियो देखने वाले, देखिए रेशियो तीनों का जो रेशियो आएगा, रेशियो क्या आएगा, देखिए
हम लोग 1.027 है इज टू 2.22 इज टू 2.96। हम लोग ये छोटा वाला यही है तो छोटे वाले से डिवाइड किया जाएगा तीनों को, 1.027 से तीनों को डिवाइड करते हैं 1.027। तो ये 1 से जाएगा यहाँ, ये लगभग 2 से जाने वाला है, यहाँ ये 3 से जाना है। इसका रेशियो है 1:2:3 जो कि क्या है, सिंपल रेशियो, इट इज़ ए सिंपल रेशियो। तो कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस रिलेटेड मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, ओके, थैंक यू।